नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अगर आप एटीएम और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और इस खबर को लास्ट तक देखें, हो सकता है आप भी इस खबर को सुनकर सावधान हो जाएं। दरअसल आरबीआई ने एटीएम और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 1 जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड काम करना बंद कर देगा। यानी कि 1 जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला डेबिट और क्रेडिट कार्ड बेकार हो जाएंगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2019 से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के सभी मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड असामान्य हो जाएंगे। इस वक्त देश में 2 तरह के एटीएम इस्तेमाल में हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला और चिप वाला। लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, जिसे आरबीआई ने बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को चिप वाले कार्ड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आरबीआई ने ये कदम ग्राहकों के एटीएम और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सुरक्षित रखने के लिए उठाया है, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड से डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। लेकिन ईएमवी चिप कार्ड में ट्रांजेक्शन के वक्त यूजर को वेरीफाई करने के लिए एक यूनिक ट्रांजेक्शन कोड जनरेट होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर अच्छा है। दरअसल आरबीआई ने 27 अगस्त 2015 को एक और दिशा निर्देश जारी किया था और उस वक्त बैंकों को कार्ड बदलने की पूरी प्रक्रिया के लिए 3 साल से अधिक का वक्त दिया था। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा था, 1 सितंबर 2015 से बैंक से जितने भी नए कार्ड जारी किए जाएंगे वे सभी ईएमवी चिप आधारित कार्ड होंगे। हालांकि कई बैंक उसी समय से ग्राहकों के कार्ड बदलने में लगे हैं और लगातार अपने ग्राहकों को मैसेज कर कार्ड बदलने की सलाह दे रहे हैं। खास बात तो ये भी है कि ईएमवी कार्ड में एक छोटा सा माइक्रोचिप होता है, जो खरीदारों की जाली ट्रांजेक्शन से बचाता है। आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर इस चिप को देख सकते हैं। सुनहरे रंग का ये चिप कार्ड अक्सर बाईं तरफ होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को ईएमवी कार्ड में कैसे बदला जाए। इसके लिए आसान से 2 तरीके हैं। नंबर 1, नेटवर्किंग के जरिए। उदाहरण के लिए एसबीआई के यूजर्स इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करें, ई सर्विसेज टैब को क्लिक करें, ड्रॉप मेन्यू से एटीएम कार्ड सर्विसेज को सेलेक्ट करें। इसके बाद रिक्वेस्ट एटीएम डेबिट कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नया वेब पेज खुलेगा। अब सेविंग अकाउंट के विकल्प का चयन करें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर क्या है, नई ईएमवी चिप कार्ड के लिए आपका रिक्वेस्ट बैंक के पास चला जाएगा। दूसरा तरीका है बैंक की शाखा में जाकर। आप अपने बैंक की शाखा में भी ईएमवी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बैंक कुछ दिनों बाद आपके रजिस्टर्ड पते पर आपका नया ईएमवी कार्ड भेज देगा। ऐसी तमाम तरह की खबरों का अपडेट तुरंत पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।